हेलो टेक चार्जर्स, चाइना और इंडिया के रिश्ते कुछ ऐसे बिगड़े कि ढेर सारी एप्लीकेशन उसकी भेंट चढ़ गई। इंडिया में फिर भी चाइनीज कंपनियों का काफी ज्यादा बोलबाला है, खासतौर पर अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस मार्केट में चाइनीज कंपनियों के ऊपर भी पकड़ बनाई जा सके और उनको यहां से खदेड़ा जा सके। लेकिन फिर भी दोस्तों लगातार कंपनियां मार्केट में अच्छा प्रदर्शन कर ही रही हैं। लेकिन एक नई ताजा खबर आ रही है जो कि चाइनीज प्रोडक्ट्स पे और भी ज्यादा असर डाल सकती है। आगे इंट्रो को इस बार बताने वाले हैं पूरी खबर, तो लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स के बारे में, जिन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय कड़ी कार्रवाई करने के मूड में दिखाई दे रही है। जैसे कि दोस्तों रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वाईफाई प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग ने कुछ एप्लीकेशंस और साथ में कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को अभी डिले लिस्ट में डाल के रखा हुआ है। खबर आ रही है कि 80 से ज्यादा चाइनीज फर्म्स की एप्लीकेशन है जो कि वाईफाई राउटर और वाईफाई कोऑर्डिनेशन के लिए यूज की जाती है, उनको डिले लिस्ट में रखा है, जिन पर अभी चाबुक चला हुआ है। नवंबर तक हो सकता है कि इन पर कोई फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले ले या फिर उसका ये कोऑर्डिनेशन विंग। अब देखेंगे दोस्तों आने वाले दिनों में, नवंबर अभी बहुत दूर है, क्या निकल के आती है इस पे राय। वैसे चाइनीज एप्लीकेशंस को काफी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन कर चुकी है, आप और हम सभी जानते हैं, इसमें काफी पॉपुलर एप्लीकेशंस भी शामिल हैं। लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की अगर बात करें स्पेशली, तो चाइनीज प्रोडक्ट्स का काफी बोलबाला है। इंडिया के टॉप लीडिंग और दोस्तों नंबर वन ब्रांड्स में भी चाइनीज ब्रांड्स का ही नाम दोस्तों शामिल किया जा रहा है। यहां पर एक चीज और भी समझने वाली है कि जो अभी इंपोर्ट पर रोक लगाई गई है आने वाले कुछ महीनों के लिए, उसमें दोस्तों चाइनीज प्रोडक्ट या चाइनीज इक्विपमेंट से बनने वाले किसी भी आइटम पे दोस्तों ये रोक रहेगी। जिसमें कि आपको बता दूं, स्मार्टफोन भी आपका शामिल हो सकता है, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट बैंड, उसके अलावा आपका लैपटॉप, पीसी शामिल हो सकते हैं, साथ में आपके जो स्मार्ट गुड्स आते हैं, स्मार्ट क्लॉक्स आती हैं, या फिर ब्लूटूथ स्पीकर है, ब्लूटूथ ईयरफोन्स है आपके, जो भी कुछ आप समझ सकते हैं, वाईफाई राउटर वगैरह, वो सब कुछ इस लिस्ट में शामिल है। यहां पर दोस्तों यूएस ब्रांड्स जो कि अपने असेंबल कराते हैं प्रोडक्ट चाइना के अंदर, उन पर भी यह कार्रवाई की गई है, जिसमें कि सिस्को, एप्पल जैसे ब्रांड्स भी शामिल हैं। अगर हम चाइनीज ब्रांड्स की बात करें तो यहां पर लिनोवो है, मोटोला है, उसके अलावा आपका ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी जैसे ब्रांड्स भी शामिल हैं, जिनके प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में चाइना से इंपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका शॉर्टेज भी हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत बेहतर होगा दोस्तों मेड इन इंडिया और दोस्तों डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट के हैं, उससे बल मिल सकता है जो इंडियन कंपनीज हैं उनके लिए, या फिर जो कंपनीज इंडिया में असेंबल करती हैं ज्यादातर प्रोडक्ट्स, उनके लिए बल मिलेगा और मार्केट में उनका बोलबाला हो सकेगा। यहां पर दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि 5G जो डिप्लॉयमेंट है वो इंडिया में शुरू कर दिया है, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है टेलीकॉम कंपनीज को कि वो स्पेक्ट्रम का जो एक्सपेरिमेंट है वो कर सकते हैं, 5G ट्रायल ले सकते हैं, कुछ महीनों के लिए ये अप्रूवल दिया गया है। ऐसे में दोस्तों ये चाइनीज ब्रांड्स जो अपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को, आइटम्स को, प्रोडक्ट्स को इंडिया मार्केट में लाना चाह रहे थे, उनके लिए दोस्तों यहां पर एक निराशा जरूर लगेगी कि जो इस समय उनका अप्रूवल लेने का या फिर कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स से रूबरू कराने का जो टाइम है वो उससे वो वंचित रह जाएंगे और हो सकता है आने वाले दिनों में उन कंपनीज के लिए अच्छे दिन साबित ना हो सके। यहां पर एक चीज आपको ये जरूर ध्यान दे लेनी चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ चाइनीज ब्रांड्स या फिर चाइना से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट जो कंपनीज है उन्हीं पर नहीं रोक लगाई है, बल्कि इंडियन ब्रांड्स पर भी लगाई है जो कि चाइना से प्रोडक्ट या आइटम्स को इंपोर्ट करते हैं और यहां पर असेंबल करते हैं। इन सभी पर जब तक कि दोस्तों जो वाईफाई कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग विंग है वो अप्रूवल नहीं देता है, तो कोई भी प्रोडक्ट अभी इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। वैसे आपकी राय क्या है इस बैन को लेके या डिले को लेके, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि अच्छा रहेगा इंडियन मार्केट के लिए या फिर खराब। दोस्तों जो भी है आपकी राय नीचे बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल और जुड़े दीजिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।